हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीवैम्प्ड प्रीमिक्स में। और आज टी माइनस 179th सेशन है। दैट मींस आज आपके 179 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स के। काफी ज्यादा टाइम होता है, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इतने टाइम में हम। और 6 सवाल करेंगे हम प्रीलिम्स से जुड़े हुए। एक स्टैटिक टॉपिक करेंगे जो कि आज का है पॉलिटी 3 सवाल, एंड देन 3 सवाल होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, हर रोज एक हम स्टैटिक टॉपिक उठाएंगे एंड देन कुछ करंट अफेयर्स। जो आपको मैं चाहता हूं यहां बताना सभी को कि जो ये सवाल है हमारी टेस्ट सीरीज से हमने बोरो किए हैं, तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में भी इवन यू विल गेट टू नो कि टेस्ट सीरीज में भी कैसे कैसे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एंड आज के सवाल रहेंगे इन टॉपिक्स पर, कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं एंड कुछ हैं हमारे सवाल ओवरऑल करंट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ शुरू करते हैं। जैसे अभी यूपीएससी ने रिसेंटली कुछ थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल पूछने शुरू करते हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफी होती है उसके 2 सवाल, जैसे लास्ट लिबर्टी पे पूछा गया था सवाल, एंड कि आपका सेकुलरिज्म के एक प्राइमरी डेफिनेशन के बारे में सवाल पूछ लिया गया था। तो ऐसे ही सवाल हमें जानने जरूरी हैं। तो आज का वही एक सवाल है कि हमारे प्रियम्बल में बहुत से वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें से फ्रेटर्निटी एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रियम्बल में लिखा हुआ। इसकी कुछ खास महत्वता भी है, तो आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमारे देश में हमारे सिटीजंस नागरिकों के बीच में फ्रेटर्निटी भाईचारे को प्रमोट करती हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, एंड देन DPSPs। आप बताइए कि इनमें से कौन सी जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे फ्रेटर्निटी अमंग सिटीजन्स को प्रमोट करती है। एंड आपके ऑप्शंस हैं सिर्फ 1, या 1 एंड 2, या 1, 2 एंड 4, या सभी की सभी यहाँ पर प्रमोट करती हैं फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे सवाल आपको ऑफन यूपीएससी अब पूछ रहा है, थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, हमें इनके आंसर पता होने चाहिए। हमारी प्लस वन की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, हमने कवर की है अपनी जो पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको पॉलिटी वाली एनसीईआरटी को देखना शुरू कर सकते हैं। प्लस आप ये फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जैसे हमने डिस्कशंस भी डाली हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अंबेडकर जी की एक डिस्कशन है जो हमने जुगाड़ सीरीज में डाली थी, उसको देख सकते हैं, वहां पर हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, एंड इसका राइट आंसर, यस राइट आंसर इज यहां पर सी नहीं है आंसर, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड एक डाउट है, जैसे बच्चे जब अटेम्प्ट करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को लेके वो दिक्कत में आ जाते हैं कि ये फ्रेटर्निटी कैसे प्रमोट करता है। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में जो इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रमोट करते हैं, कि एक इंसान की डिग्निटी, उसकी इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिग्निटी के बारे में जब बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे भाईचारे से, कि आप जब एक इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, फ्रेटर्नल की भाईचारे की फीलिंग को प्रमोट कर रहा है। सिंगल सिटीजनशिप डेफिनेटली, ये तो काफ़ी आसान था सोच पाना कि एक ही सिटीजनशिप है पूरे देश में, तो भाईचारे को प्रमोट करती है। ड्यूटीज में बहुत जगह लिखा हुआ है रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, तो बात ड्यूटीज में आ जाती है। राइट्स में आपको मैंने बताया, क्योंकि देखो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिग्निटी, इसको अगर थोड़ा ध्यान में रखें कि अगर एक इंसान, एक हिंदुस्तानी नागरिक दूसरे हिंदुस्तानी नागरिक की इज्जत को मेंटेन रखता है तो वो भाईचारे की फीलिंग है। इस पे अंबेडकर जी की बहुत अच्छी डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमने उसको डिस्कस किया, वो जुगाड़ सीरीज में आप देख सकते हैं। बाकी DPSPs में भी यहाँ पर हमारे प्रोविजन हैं, तो आपको वही जो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51A आर्टिकल में आपको लिखी हुई हैं, वहां पे क्या बोलते हैं कि हार्मनी प्रमोट करनी है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये तो लिखा ही हुआ है ना बिल्कुल, तो ड्यूटीज में तो डाउट नहीं था। एंड देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और DPSP भी इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें कह रहे हैं कि डिग्निटी जो फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि भाईचारा होगा तो ही यूनिटी और देश की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चैप्टर वैसे 4 है इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है ऐसे से, क्योंकि वर्ड्स की आपने डेप्थ में जाना है, क्योंकि UPSC अब ऐसे सवाल पूछ रहा है। ऑलराइट, चलिए अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, कि आपने बताना है कि इनमें से जो अगर हम देखें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन बनने के लिए एलिजिबल है, आप उसके बारे में बताइए कि इनमें से, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। पहला, जो भारत में ही पैदा हुआ हो, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। दूसरा, नेचुरलाइज्ड, कि भारत में पैदा नहीं हुए लेकिन नेचुरलाइज्ड बाद में सिटीजनशिप एक्वायर की गई। तो आपने मुझे बताना है कि कौन से इंडिया में इनमें से बन सकते हैं प्रेसिडेंट। ऑलराइट,
तो थोड़ा यहाँ पर जो एक ये जो एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत में, हमारी पॉलिटी की बुक्स में सब जगह क्लियरली लिखा हुआ है। लास्ट ईयर भी आपको सवाल था कि जो गवर्नर को अरेस्ट करने के जो प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था कि कौन सी वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन हो सकती हैं, क्रिमिनल, सिविल एक्सेट्रा। तो बस एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, रिपीट करते रहते हैं, काफ़ी कहानी क्लियर हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सरल सवाल एंड इसका आंसर है बोथ। ठीक है, इंडिया में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी बन सकते हैं एंड जो पैदा हुआ तो बन ही सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ पर्सन बॉर्न इन यूएसए ही प्रेसिडेंट बन सकता है, वहां पर नेचुरलाइज्ड सिटीजन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बातें रखना ध्यान में क्योंकि कभी भी आपको कैसे भी सवाल मोल्ड कर सकते हैं वो। ऑलराइट, एंड बाकी किस तरह से नेचुरलाइज, किस तरह से आप सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर और उसके बारे में कुछ प्रोसेस है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें वहाँ पर तो कुछ देर इज अ गिवन प्रोसेस कि इतने साल रहना होता है एटसेट्रा एंड आपके पेरेंट्स कहाँ के हो सकते हैं। तो सिटीजनशिप के चैप्टर में आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है बट येस इट इज डूएबल। और अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल सवाल भी बन जाता है इस तरह से तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा आपका ये एक मुश्किल सवाल आसान हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अबाउट डीपीएसपी, आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट डीपीएसपी। पहला कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल है, जो दैट मींस लीगली एनफोर्स करा सकते हैं इनको हम। दूसरा, डीपीएसपी हैं, इनकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्राइमेसी है। ठीक है, तो क्योंकि डीपीएसपी वो कह रहे हैं कि ग्रेटर गुड के लिए बनाए गए हैं इसलिए इनकी प्राइमेसी है। एंड देन जो 86th अमेंडमेंट आई थी उसने एक डीपीएसपी आर्टिकल 38 में लिखी हुई डीपीएसपी को बदल दिया, क्या ये बात सही है? एंड देन DPSPs हमारे कहाँ से, जो DPSPs की वेरियस प्रोविजंस हैं कहाँ से ली गई हैं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये बात क्या करेक्ट है क्या गलत है आप बताइए सोच के मुझे। स्टेटमेंट्स कौन सी हैं यहाँ पर ट्रू, ठीक है, ट्रू पूछा गया, 3, 4, ऑल या नन ऑफ द अबव, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा क्योंकि थोड़ा ऑन द ट्रिकियर साइड क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इसका आंसर आपको ऐसे नहीं कि हाँ एकदम से आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सोचेंगे तो समझ आ भी सकता है बहुत आराम से। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, बस यही अप्लाई करवाना सिखाना है आपको हमने कि अप्लाई कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, एंड इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दोस्तों इसका इज यहां पर कोई भी करेक्ट नहीं है, डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है, एक एक उठा के स्टेटमेंट देखते हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि मेरी डीपीएसपी पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं बोल सकते। एंड प्राइमेसी के ऊपर मैं आपको चाहता हूँ बहुत सारी जजमेंट्स के बारे में बताना कि डीपीएसपी ऊपर है या फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल स्टैंड क्या है कि बैलेंस मेंटेन करना है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना है। वेरियस केसेस हैं, आपको मैं बताऊंगा कौन से केसेस हैं। देन 86 अमेंडमेंट ने आपका आर्टिकल 38 नहीं आर्टिकल 45 बदला था एंड डीपीएसपी की प्रोविजन नहीं, आप ये कह सकते हैं डीपीएसपी जहां से बोरो की गई वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ उसको इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो 1935 एक्ट में था लेकिन प्रोविजंस नहीं ली गई, प्रोविजंस हमने खुद डिराइव की हैं, प्रोविजंस हमारे हिंदुस्तान के जो ड्राफ्टर्स हैं उन्होंने खुद लिखी हैं किस तरह से होनी चाहिए। जो ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बोरो किया गया लेकिन ऐसा नहीं है, तो सिर्फ उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से वहाँ पे बस एक सिमिलर सा एक प्रोविजन था वहाँ पर जब 35 के एक्ट में, हमने कहाँ से इसको हमने देखें अदरवाइज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया ये वाला फिलोसफी एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से किया था, स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये लिखा हुआ लक्ष्मीकांत में। ऑलराइट, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, एंड कोई मॉरल ऑब्लिगेशन ही है बस ऐसे वाला, कोई सरकार पर कोई लागू नहीं करवा सकता। एंड देन और एफआरस की किसी की ऊपर कोई प्राइमेसी नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। अब यहाँ केसेस देखते हैं एफआर वर्सेस डीपीएसपी, जो सबसे पहला केस है वो है चंपकम दुराई राजन केस, बहुत ही फेमस केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स जीतेंगे, एफआर विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। गोलकनाथ में बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकती, तो पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए गोलकनाथ को जो नलीफाई करने के लिए। एंड देन उसमें लिखा गया कि अगर कुछ डीपीएसपी आर्टिकल 39 एंड बी सी में लिखी हुई है जो, तो इनको कोई लॉ इनको हटा नहीं सकता, 39 बी सी को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर सरकार चाहती है 39 बी सी में लिखी हुई डीपीएसपी पूरा करना, तो और कोई आके कोई कोर्ट केस कर दे कि सर आर्टिकल 14 19 और 31 हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये ऐसा वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये अमेंडमेंट में किया गया। ठीक है, कि इस तरह से हुआ क्या, डीपीएसपी को थोड़ी प्राथमिकता मिल गई ओवर दीज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद
इस पे बोला गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता इस लॉ का, ठीक है। देन केशव नंदा भारती आया, वहां पर बोला कि जो ये वाली प्रोविजन है जो आपने जो अभी देखी ऊपर, ये वाली प्रोविजन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। एंड 42nd जो उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि 14, 19 और 31 ये अगर कॉन्ट्रावीन होते हैं जाते हैं डीपीएसपी, अगर का वायलेट डीपीएसपी ऊपर रहेगा कॉन्ट्रावीन अगर करते हैं 14, 19, 31 को तो डीपीएसपी जीतेगा। तो लेकिन उसके बाद फाइनली मिनर्वा मिल केस आता है, मिनर्वा मिल में बोला गया कि नहीं ये वाला जो आप कहते पूरी अमेंडमेंट इज ओके, लेकिन ये वाला जो आपका क्लॉज है 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, ये वाला हमें क्लॉज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे पसंद नहीं आया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड क्या करते हैं वो बैलेंस एफआरडीपीएसपी का रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि बैलेंस ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि केशव नंदा भारती से आया था। ऑलराइट, तो इसीलिए एफआरडीपीएसपी का बैलेंस रिस्टोर किया गया। तो एफआरडीपीएसपी में कोई जीतता हारता नहीं है, तो इसलिए डीपीएसपी नॉन आपके क्या है जस्टिशिएबल है, एफआर जस्टिशिएबल है, दैट इज ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को प्राइमेसी देने के लिए दूसरे का हनन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट, बैलेंस ही मेंटेन करना है हमेशा, यही सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। ऑलराइट, देन थर्ड हमारी स्टेटमेंट थी कि जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था तो उसमें आर्टिकल 45 को बदला, मैंने आपको बताया। एंड डीपीएसपी हमारे हमने कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाए, एंड स्पैनिश जो कि जिन्होंने कहाँ से उठाए थे स्पैनिश, तो ये लिखा हुआ है हमारे लक्ष्मीकांत जी में भी। ऑलराइट दोस्तों, चलिए थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन थोड़ी नॉलेज इम्पार्ट करना जरूरी है पढ़ाते यहाँ पे सब बताते हुए। ये है अबाउट बीएसएफ, थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बीएसएफ अभी न्यूज़ में चल रहा था, तो आपने मुझे बताना है कि बीएसएफ कौन से इन इंडियन स्टेट्स को बॉर्डर, जो इंडियन स्टेट्स को गार्ड करता है, ठीक है। तो बताइए, पहला बिहार, गुजरात, मणिपुर या त्रिपुरा, इनमें से कौन सी स्टेट्स को बीएसएफ के जवान क्या जिसको एकदम गार्ड करते हैं और किसी को बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देते। तो आप मुझे बताइए 1 and 3, 2 and 3, 2 and 4 या 1 and 4। तो दोस्तों इसमें बताइए बीएसएफ कौन से इनमें से स्टेट्स को गार्ड करता है। तो एंड द राइट आंसर इज 2 and 4, बिहार। बिहार बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। बीएसएफ का मैंडेट क्या है, जहां जहां पाकिस्तान है वहां वहां को उसको गार्ड करना, पाकिस्तान एंड पुराना पाकिस्तान जो कि अब क्या बन गया है बांग्लादेश, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसीलिए बीएसएफ का मैंडेट ही यही है पाकिस्तानी बॉर्डर को गार्ड करने का। तो अभी अभी क्या बन गया वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ पे आता है, गुजरात में एंड त्रिपुरा में। ऑलराइट, तो बिहार नेपाल के साथ करता है। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ कहानी पूरी कि हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ और 1965 में बनाई गई और उसके बाद ये पीस टाइम में हमें बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं एंड ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकती हैं। और ये कौन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती, ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ा याद रखिएगा। एंड देन उसके बाद बहुत सारी एजेंसीज में से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उसमें से एक है। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये बीएसएफ की साइड से ही हमने सब कुछ यहाँ पर आपके लिए कॉन्टेंट बोरो किया। ऑलराइट, देन उसके बाद जो बीएसएफ है ये बॉर्डर्स को पाकिस्तान बांग्लादेश के जो गार्ड करती है और बिहार नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करता है तो उसको सशस्त्र सीमा बल उसकी रक्षा करता है। एंड मणिपुर शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार से जिसको असम राइफल्स गार्ड करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आप बस इसको टेबल को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये दो हैं बीएसएफ के पास, चाइना वाला आईटीबीपी के पास, नेपाल वाला एसएसबी एंड भूटान वाला भी एसएसबी के पास, म्यांमार असम राइफल्स। ऑलराइट, ये हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, हमेशा इनको आपने रखना है याद, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ठीक है, बॉर्डर को गार्ड करती हैं। ऑलराइट, चलिए अपना आज का अगला सवाल थोड़ा सा ये न्यूज वाला सवाल है, देखते हैं कितने लोगों को आता होगा। एंड अगर ये आपको सवाल आता है कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पढ़ते हो लेकिन इसके बारे में आपको जो नॉलेज थोड़ी सी ऐसा होता है कि ओवरलुक कर देते हैं हम। तो क्योंकि एक हमारी जैसे आज जी सैट हमारा जो एक लॉन्च किया, वो लॉन्च किया गया एक जगह से, नाम था फ्रेंच गायना, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि फ्रेंच गायना कौन सी जगह पर लोकेटेड है, किसके कोस्ट पर लोकेटेड है, पहला इंडियन ओशन या फिर वो पैसिफिक ओशन के किनारे है, अटलांटिक या सदर्न ओशन, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है यहाँ पर। और फ्रेंच गायना इतनी बार आप पढ़ते हो, आज के अखबार में भी था, न्यूज़ में आ रहा है बार बार, जी सैट 11 लॉन्च होने वाली है और वो लॉन्च क्योंकि काफ़ी भारी सैटेलाइट है तो इंडिया में पीएसएल उसको जीएसएल भी ले जा नहीं सकता, तो हम उसको बाहर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के थ्रू ही लॉन्च करवा रहे हैं। आपने मुझे बताना है फ्रेंच गायना किसके किनारे है, इतनी बार पढ़ते हो, यूपीएससी यही करता है आपके साथ कि इतनी बार हम चीज़ें पढ़ते हैं
लेकिन ओवरलुक कर देते हैं, यूपीएससी आपको सवाल पूछ लेता है उसको। एंड दोस्तों इसका आंसर इज अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के किनारे। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये कहाँ लाई करता है। सो आइए देखें, जैसे ये हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से चलते हैं ये पूरा पार किया हमने इंडियन ओशन के बाद अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के बाद अटलांटिक आ गया, ये ब्राज़ील, ब्राज़ील दिख रहा है, ब्राज़ील के ऊपर देखिए फ्रेंच गायना, थोड़ा जूम इन करते हैं ब्राज़ील के ऊपर, ये रहा फ्रेंच गायना, पूरा का पूरा ये इलाका पहले फ्रांस के पास था लेकिन बाकी सब कंट्रीज अब आज़ाद हो गई हैं, फ्रेंच गायना में ये जगह है यहाँ पर, यहाँ से लॉन्च करते हैं क्योंकि इक्वेटर के आसपास वाली जगहों से लॉन्च किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके किनारे है ये, अटलांटिक ओशन के किनारे, देखते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये देखिए अटलांटिक ओशन है ये, इस पर ये हमारा फ्रेंच गायना खुलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ को गलत नहीं करना, बहुत से लोग हैं जिनको जो पढ़ते हैं इसको और बिल्कुल टोटली इग्नोर किया हुआ है, यू शैल नॉट डू दैट। ठीक है, आप जगहें देखें कभी भी मैप में तो उनको पक्का लोकेट कर लीजिए कहाँ पर कौन सी जगह है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये अभी भी एक जो फ्रेंच टेरिटरी है और ब्राज़ील को बॉर्डर करती है, एंड उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ से चले गए थे बाकी सब जो आसपास जगहों को आज़ाद करके, तो लेकिन ये अभी भी इकलौती ऐसी कंट्री है जो एक यूरोपियन कंट्री के अधीन है। ऑल राइट, एंड देन वहाँ से हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, इक्वेटर के नज़दीक होने का फ़ायदा मिलता है उससे। तो चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं, इट इज़ अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये सवाल पहले भी हमने इस तरह से सिमिलर सवाल पूछे हैं, अगर आपने उस पर रिसर्च करी तो यू शुड बी नोइंग दैट। तो बताइए कौन सा ट्रू है उसके कॉन्टेक्स्ट में। पहला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एंड दूसरा, ईडी का जो प्राइम हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दो एक्ट्स को अमल में लेके आना, एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एक जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ईडी के बारे में बात हो रही है, ईडी आए दिन छापे मारता है, बहुत कुछ काम करता है, आईएएस आईपीएस आईआरएस सभी अधिकारी काम करते हैं ईडी में, तो आपने मुझे बताना है किसके अंडर आता होगा ये, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या सही हैं कि नहीं। ऑलरेडी दोस्तों, एंड इसका राइट आंसर इज टू ओनली, ये होम अफेयर्स के अंडर नहीं है, इट इज नॉट अंडर होम अफेयर्स, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस के अधीन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अधीन होता है, और बाकी दो ही एक्ट्स आए थे फेमा और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग वाला, दोनों को इंप्लीमेंट करना कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहा हो और कोई बाहर से पैसा ना लेके आ रहा हो इलीगली, उसको रोकना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, तो ये विकीपीडिया पे देख सकते हो आप, ये वहीं से विकीपीडिया पे लिखा हुआ है, और जाके वेबसाइट पे देख सकते हो इनकी, लेकिन वेबसाइट पे कोई खास क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन स्टिल विकीपीडिया ऑफर्स अस गुड क्लैरिटी कि कब बनाया गया और उसके बाद ग्रेजुअली कौन से लॉज इनके अधीन डाल दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आज का हमारा अटेम्प्ट आपको प्रीमिक्स के थ्रू कुछ स्टैटिक कराने का, कुछ और कुछ करंट अफेयर्स कराने का। थोड़ा वीडियोस लंबे हो जाएंगे अब क्योंकि नॉलेज भी गैदर करनी है, और क्योंकि ताकि हमारा फ्यूचर जो हम जब 179 डेज बाद 180th डे पर जब जाके बैठे हैं प्रीलिम्स में, तो हमारा तो वो प्रीलिम्स हमें बहुत डराए ना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो यही बता रहा है हमें, इट इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट वी विल डू टुडे। ठीक है, तो इसलिए आज ही मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे वीडियोस हो छोटे वीडियोस हो, ज़्यादा कंटेंट है, बुक में बहुत लिखा हुआ है, टेस्ट बहुत सारे सॉल्व कर रहे हैं, करना ही करना पड़ेगा क्योंकि कल किस पर डिपेंड करता है, कल डिपेंड करता है आज पर। और बाकी जाते जाते आपको पता है कि हम स्लीपी क्लासेस पर आपको बहुत सारे फ्री वीडियोज दे रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्टेंट फ्री प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं। मैट सीरीज शुरू हो जाएगी आपकी, जो जिसमें मेंस के सवाल लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू जो हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी, एंड 9 बजे डीडी नोटिस आता है, हिंदू एक्सप्रेस के बारे में जानते हो आप, देन ऑप्शनल, देन ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाते हैं, मेंटरशिप वीडियो इवनिंग में है, एंड उसके बाद आपके पास प्री क्योर कि जो प्री के करंट अफेयर्स के साथ साथ आप बहुत सारी स्टार्टिंग चीजें भी जानेंगे, अब सर शुरू करेंगे, एंड शाम को जैसे आप देख रहे हो अभी प्रीमिक्स। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे पास कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट हैं सेक्शनल और इसमें हर सवाल होंगे, और ये सिंपली एक सिंपल सा तरीका है कि आपको रोज लिखवाया जाए और हर हफ्ते लिखवाया जाए ताकि आप साथ साथ जो प्रिपेयर करें। मेंटरशिप प्रोग्राम वालों के लिए ये बिल्कुल प्रोसेस फ्री है, एंड देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें आप 32 टेस्ट देंगे, करंट अफेयर से जुड़े हुए टेस्ट भी हैं, बाकी सेक्शनल एक्सेट्रा टेस्ट भी हैं, और उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आपसे आपके साथ जो चंद पलों का हमारा सफ़र, मिलेंगे कल दोबारा, और एक और दिन कम हो चुका होगा प्रीलिम्स के तरफ, तो मेहनत जारी रहे और पढ़ाई चलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।